आपने अंडे वाले तो बहुत देखे होंगे, मगर जो स्वाद में अंडे खिला सके उसे भी तो एक अंडे वाला कहते हैं। मैं उसे सिकंदर कहते हैं। मैं इतना कहूंगा मेरे फादर का नाम। ये डायलॉग सर, आज क्या खिलाने वाले हैं आप? मैं आपको खिला रहा हूँ यहाँ का अफीम वाला चस्का। अफीम वाला चस्का? हाँ हाँ। तो इसमें अफीम अफीम डालते हो क्या? नहीं, अफीम स्वाद की है। अच्छा। जो यहाँ पर स्वाद बनते हैं अलग, एक ग्रेवी बनती है अफीम वाली जो इसे रगड़ के बनाते हैं और ऊपर डालते हैं। तो मतलब ये अफीम वाला चस्का खाने के बाद चस्का लग जाएगा? हाँ, आप खाने के बाद दोबारा कहेंगे कि हाँ यार वहाँ चलो और एक स्वाद खा के। हाँ ठीक है, उनमें से एक आइटम है। और मैंने सुना है डबल योक भी होता है उसमें। वो डबल योक मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वो डबल योक का एक राज होता है कि हमारे यहाँ 100 से 150 ट्रे उतरती हैं। अच्छा। तो हम उसमें छाट के निकालते हैं जो बड़े बड़े एग्स होते हैं उसमें डबल होते हैं। हाँ, उसमें डबल जाते हैं। वो इतना तो सीखा है बचपन से, जो आदमी इस काम का हुनर हो तो वो सीख लेता है थोड़ा सा वो चीजें। हैं ये मेकिंग स्टार्ट हो गई इसकी? मैं मेकिंग दे रहा हूँ आपको, ये डबल योक भी दिखा रहा हूँ। ये मैंने दो अंडे मेकिंग के लिए रखा है, ये डबल योक्स वाले। मैंने अलग ये देखिए, नॉर्मली वही अंडे हैं जो आम संडे और मंडे रोज खाएं अंडे वाले। क्या बात है। ठीक है जी, तो देखो भाई इसमें डबल योक मैं भी देख लेता हूँ। ये देखो भाई, ये निकले डबल योक। ठीक है जी, इसी के अंदर ये ऐसे ही बनता हुआ चलेगा और इसके अंदर एक बनेगी जो अफीम वाली ग्रेवी। अच्छा। जो एक स्वाद को करती है यूं खाने के बाद टेस्ट। अच्छा, वो मैं खिलाऊंगा आपको सर, कोई दिक्कत वाली बात। बताते रहना आप क्या। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ये देखिएगा मेरी क्वांटिटी क्या चल रही है प्याज मिर्चों की। अरे वाह, आपको थोड़ा। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि आदमी इतनी सी प्याज में मिर्चों में काम कर लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चाहिए डालता है, मैं ये नहीं डालता। मेरी क्वांटिटी अपनी स्वाद की ये चीजें होती हैं। मैं वही चीज़ें डालता हूँ। मिर्च आ गए प्याज के बाद जी। अब इसके बाद ये धनिया आ गए जी। ये टमाटर आ गए। क्या बात है। ठीक है जी, अब मसालों पे आते हैं। ये नमक, सबसे पहले नमक आ गया। ये लाल मिर्च और ये यहाँ का जो 12 से 13 मसाले जो पुराने चले आ रहे हैं, जो मेरे फादर मुझे दिया करते थे। अच्छा। वही आज तक 65 साल पुराना होता स्वाद। वो जरूर 12 मसाले होते हैं, 12 से 13। अच्छा अच्छा। और वही भून के जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची हम मिला के पूरा बनवाते हैं, पूरा सेटअप होता है, वो चीज़ डालते हैं। अच्छा अच्छा, ये चीज़ें होती है। अरे वाह, ये देखो भाई एकदम फायर हो गया है। तो अभी बहुत चीज़ें हैं, अभी आगे फायर वाली बात तो आगे नजर आएगी आपको जब मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो जो अफीम ग्रेवी है वो इसकी जान है जो बनेगी। चलो देखते हैं सर, आज हम पहली बार आए तो पूरा देख के जाएंगे। आप प्याज ग्रेवी में भी प्याज आ गई और मिर्ची आ गई, ये मतलब सेम चीजें आएंगी इसमें भी। इसमें भी आएंगी क्योंकि ये थोड़ा सा भुनेगा। अच्छा, और फिर उसके साथ वो डलेगा। ये देखो भाई, ये ग्रेवी में इन्होंने अंडे को मैश कर दिया एकदम। इसके अब इसकी ये बननी है ग्रेवी। अच्छा। और वो भी रगड़ रगड़ के। ठीक है, रगड़ रगड़ के। हाँ, बिल्कुल आपके सामने बनेगी अभी, जिसे हम कहते हैं अफीम वाली। क्यों कहते हैं? उसका रीजन यही था क्योंकि इसके अंदर जो रगड़ के बनती है उसी का एक स्वाद है। तो मतलब एकदम आदत हो जाएगी इसकी। अभी आप खाने के बाद बताएंगे, मैं अभी इसका पूरा राज बताऊंगा। अभी बनने दो, साथ साथ बनती जाएगी और मैं आपसे पूरी क्लियर करूंगा। ऐसे कहना ना खिलाना वो एक स्वाद नहीं है, अलग एक स्वाद को देना। ये वही स्वाद है और वही चीज़ें हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। अभी पूरी ग्रेवी निकलेगी तब जाके व्हाइट पार्ट जैसे आप देख रहे हैं ना। अच्छा, अच्छा। ये ऐसी ग्रेवी बनेगी, ये नहीं दिखेगा। अच्छा जी, आप देखिएगा उसके बाद बात करते हैं सर। आप ये व्हाइट पार्ट देख रहे हैं, ये देखो, ये देखिए निकलती भी जा रही है। ऐसे ही व्हाइट पार्ट में पूरी बनेगी। अच्छा अच्छा भाई, इसकी जो खुशबू है सच बता रहा हूँ काफी सही आ रही है इस टाइम। और वो भी अंडों के अंदर। अब ये देखिएगा कि व्हाइट पार्ट बन रहा है ना, ये ऐसी ग्रेवी बनती है, पूरी झाग में जाएगी टाइट में। तो ये अफीम वाला चस्का बन रहा है। हाँ जी, ये रगड़ रगड़ के ऐसे निकलेगी। अरे वाह, उसी के बाद है। जब ही रगड़ रगड़ के कह रहे थे आप। मैं क्यों कह रहा था, क्या आपने ऐसे अंडे खाए हैं? नहीं, ये कहूँगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी दिल्ली में घूमी, कभी नहीं दिल्ली में घूमी। और ऐसी के अंदर इसी आइटमों में 8 आइटमें मेरे पास हैं और 15 आइटमों की पूरी तैयारी है। क्या बात, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है जब गुड़ नहीं उबल जाता वैसा लग रहा है। ये आपको गुड़ लग रहा है और मैं कहूंगा, ये कहूंगा, ये यूं करके भी आप टेस्ट ले लोगे, आपका मन करेगा दोबारा खाने के लिए। अरे वाह, अंडों के अंदर टेस्ट देना और यूं करके यूं खिलाना, वो भी एक कला है। अब मैं वही चीजों पे चल रहा हूं, ध्यान दो जरा। तो ये देखो भाई, ऊपर ये चीज मैंने लगा दी है। अच्छा। ये इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है, रगड़ने वाली अफीम। और ये अफीम देखो कैसे जा रही है इसके अंदर। अरे वाह, ये देखो भाई क्या सही लग रहा है। ठीक है जी, ठीक है। और ये ऊपर से गार्निश कर दिया इन्होंने, ये मेयोनीज है। हाँ, ये मेयोनीज जाएगी। ठीक है, इसके साथ 4 स्लाइस दिए जाएंगे आपको ब्रेड के। हाँ, जो साथ जाते हैं। तो ये देखो भाई, ये ब्रेड के 4 स्लाइस आएंगे इसके साथ।
भाई ये देखने में इतना गजब लग रहा है ना कि मन कर रहा है ये अभी टेस्ट कर लूं। मैं तो आपको खुद क्या कह रहा हूँ, और भाई ने अलग से दो चटनी लगा दी है। नहीं, जो चीज इसके साथ आती मैं वही खिलाऊंगा आपको मैं। ये देखो ये अफीम वाला चस्का, क्या सही लग रहा है भाई। अब अंकल ने तो हमें बता दिया अफीम वाला है, खाके मैं बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। और ये जो ये ब्रेड हमें मिला ना, इसे मैंने अभी साइड में रख दिया है, ऐसे ही मैं आपको टेस्ट करके सबसे पहले बताता हूँ कि टेस्ट इसका कैसा होने वाला है। तो भाई देखने में तो काफी सही लग रहा है, क्या बात है। तो चलो टेस्ट करता हूँ। एक बार और टेस्ट करता हूँ मैं। भाई ऑमलेट का जो टेस्ट है ना, वो एक नंबर टेस्ट है। मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर है, खाने में मज़ा आ रहा है, एकदम फ्लेवरफुल टेस्ट है। अगर आप यहाँ पर आओ तो ये वाला ऑमलेट ज़रूर से आप ट्राई करना, खा के आपको मज़ा आने वाला है। और खाने के बाद मुँह में सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। तो चलो जल्दी से मैं इसे फिनिश करता हूँ। बाकी ये जो ऑमलेट है टेस्ट वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर इसकी रेट की बात करूँ तो इसका जो रेट है, इसका रेट एक बार पता कर लेना कितना है। 150 रुपये इसका रेट है। तो रेट वाइज भी काफ़ी अच्छा है, और आप क्वांटिटी भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो भाई मुझे तो ये ऑमलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप आओ तो यहाँ पर ये ऑमलेट ज़रूर से ट्राई करना। बाकी इनके पास काफ़ी और भी वैरायटीज़ हैं ऑमलेट के, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑमलेट के वैरायटीज़ हैं। और सबके रेट वगैरह एक बार आप देख लो, सबके रेट वगैरह लिखे गए हैं यहाँ पर। जो रेट है वो 50 रुपये 40 रुपये, मतलब 40 रुपये से यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। और बाकी ये पूरा शॉप है, एक बार शॉप भी आप देख लो। ये देखो यहाँ पर ऑमलेट, सैंडविच, और आप देख सकते हो बॉयल एग वगैरह के यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। तो ओवरऑल यहाँ का जो ऑमलेट का टेस्ट है काफ़ी अच्छा है, जैसा कि भाई ने, सिकंदर भाई ने हमें बताया था। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है, ये जो ऑमलेट है, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।